इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मिशन चेतना। चेतना हीरो, भलाई का प्रसार। खाब फिर कुछ चेतना हीरो, भलाई का प्रसार। इस प्रोग्राम में स्वीकार कीजिए नासिर और साहिबा का नमस्कार। आजकल के समाज में आदमी और औरतों की इस भीड़ में चंद इंसान भी मिल जाते हैं जिनकी बदौलत भलाई का प्रसार हो रहा है। मिशन चेतना समाज के इन रियल हीरोज को पहचान कर उनको बल देने का कार्य कर रही है। मिशन चेतना उन्हें तन मन धन से प्रोत्साहित और सम्मानित कर आम लोगों से उनका परिचय कराती है। सम्मान की इस श्रृंखला में अगला नाम जो उभर कर सामने आ रहा है वो है पीयूषा अभी। पौंटा साहब हिमाचल प्रदेश से पीयूषा अभी ने ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के मकसद से एक स्वयं सहायता समूह जिसका नाम है श्रम शुरू किया। 14 साल से निरंतर ऊंचाई की तरफ अग्रसर पीयूषा अभिजी को मिशन चेतना ने चेतना हीरो अवार्ड से सम्मानित किया है। पीयूषा जी ने कहा कि अवार्ड मिलने से हौसला अफजाई हुई है। वो मिशन चेतना फाउंडेशन का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करती हैं। पीयूषा जी अपनी टीम के साथ मिलकर खराब पड़े सामान यानी वेस्ट मटेरियल से कमाल के प्रोडक्ट्स हमें और आपको दे रही हैं। मगर पीयूषा जी से हम पूछना चाहेंगे कि शुरुआत कहां से हुई? जो वेस्ट हमारे पास जो उस टाइम पर था वो था एक शू फैक्ट्री का लेदर वेस्ट, एक कंप्यूटर स्टेशनरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का प्लास्टिक वेस्ट एंड क्राफ्ट्स ऑफ फैब्रिक फ्रॉम टेलर्स। इसके साथ हम लोगों ने अपना जर्नी बिगिन करी। आपके साथ जो महिलाएं जुड़ रही हैं वो कई बार अपनी पारिवारिक या सामाजिक समस्याओं से भी घिरी रहती हैं, तो क्या वो पूरी लगन से काम कर पाती हैं? श्रम एसएजी में बहुत सेफ वर्किंग कंडीशंस हैं, लेडीज आती हैं, अपना आराम से काम करती हैं, हंसी हैं, दे फॉरगेट व्हाटएवर प्रॉब्लम्स दे हैव बैक एट देयर होम। आपका इस कार्य को करने के पीछे उद्देश्य क्या है? आई वुड वांट कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लेडीज को एम्प्लॉयमेंट हम दे सके ताकि वो आए अपना क्रिएटिव काम करें एंड दे गो बैक होम हैप्पी एंड कंटेंट। आपने अपने परिवार से कोई मदद नहीं सिवा जरा सी जगह जो कि आपके पापा का गैराज था, तो परिवार का शुरू में क्या सोचना था? इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड श्रम एसजी फ्रॉम माय फादर्स गैराज, माय फैमिली वाज अ लिटिल स्केप्टिकल कि ये कर क्या रही है, कबाड़ इकट्ठा करती है और जाके उसका सामान बना देती है, कितना बेच लेगी या क्या कमा लेगी। आपने आगे बढ़ने की हिम्मत कैसे इकट्ठी की और जिन महिलाओं को आपने स्वावलंबी बनाया है वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ कर पाई क्या? मैंने अपने दिल की सुनी एंड मैं चलती चली गई। जो स्कूल ड्रॉप आउट थे उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी, कुछ ने कंप्यूटर कोर्सेज ज्वाइन करे, कुछ ने अपने घरों को एक्सपैंड करने में, घरों की कंस्ट्रक्शन में कंट्रीब्यूट किया एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम फंडेड देयर ओन वेडिंग। वास्तव में पीयूषा अभी जी जैसे लोगों के जज्बे काबिले तारीफ हैं। ये जज्बे कायम रहें, ये हौसले टूटने ना पाए, इसके लिए संबल का काम कर रही है मिशन चेतना। क्यों जरूरी है उनको प्रोत्साहन देना बतलाते हुए मिशन चेतना के संस्थापक श्री रवि शर्मा जी। जैसे वातावरण की बेहतरी के लिए हरियाली को बचाना जरूरी है, ऐसे ही समाज की बेहतरी के लिए भलाई को बचाना जरूरी है। जैसे वातावरण के लिए जो बड़े पेड़ हैं वो खुद सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन छोटे वृक्षों को, छोटे पौधों को आपको बचाना पड़ता है जब तक कि वो वृक्ष न बन जाएं। चेतना भलाई के उन छोटे पौधों को बचाती है, उनको खड़ा करने में मदद करती है और उनके साथ तब तक रहती है जब तक कि वो बड़ा पेड़ बनकर बहुत लोगों को छाया न देने लगे या फल न देने लगे। भलाई का प्रसार करना आप हम सबकी जिम्मेदारी है। आप भी भलाई के इस कार्य में योगदान कीजिए। आप हमारे वॉलंटियर भी बन सकते हैं हमारी वेबसाइट पर वॉलंटियर का आसान सा फॉर्म भरकर। हमसे संपर्क कीजिए हमारी वेबसाइट www.thechetna.org पर या हमारे व्हाट्सएप नंबर 7374004001 पर। अब मैं साहिबा और मैं नासिर आपसे चाहते हैं अनुमति, अगले कार्यक्रम में आपकी मुलाकात होगी एक और चेतना हीरो से। नमस्कार। चेतना हीरो, भलाई का प्रसार। खाब फिर कुछ से बनते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे मिशन चेतना।